ये दो लड़कियां आपस में बातें कर रही है भगवान की, सोच रही है क्या बताएं तुम्हें। प्रभु आप बसे मैंने कुछ बुरा बोल दिया। अम्मा बोली होए,
अम्मा बोली मैं अपने नाती को दवा दिवा जा रही है सरावी के लिए सरावी कहने लगा हाँ टेबलेट तो है तो अम्मा ने सरावी से कही तो दे दो लला तो जैसे जैसे हाथ डालो सरावी ने क्वार्टर निकाला अम्मा बोली जा सर जमाए भी बोला कि क्या खराब है अरे सराबी तो है बुखार चला जाएगा अम्मा बोली सरी हुई को क्या जब मैं बुखार चलो दे सराबी का लगो मेरे पास बहुत चीजें थी वो तो सब चली गई बहुत बड़ी बड़ी चीजें चली जाती है शराब से अम्मा बोली कहा चलो गो शराबी बोलो मेरे तिर 20 बीघा खेती थी तो सब चली गई और तुम कह रही बुखार नहीं जाएगा तो भगवान को ऐसे ही रखना में शराबी मिली गो और नशे में मस्त है और चला रहा है किस तरह से रोटी ना मिले लेकिन क्वार्टर एक जरूर मिल जाए क्यों पीने वाले के लिए कि ये महुआ है अंगूरी कैसी अंगूरी है अंगूरी ये महुआ है Thank you.
बेटी हो जो तुम्हें पता नहीं है चलेगी। उसकी पैसे डाल करके कभी नहीं जीता हूँ कन्हैया। बोले मामा जी पैसे डाल के आईपीएल फिर मिल जाए तो व्यक्ति बत्ती पियो करो। शराबी कहने लगा वो धोबी बोला भगवान से मेरी बात सुनो। भगवान बोले मामा जी ये पत्र मिल जाएंगे। धोबी कहने लगा तुम्हारा चेहरा है नहीं पत्रों के लायक, ये राजा के कपड़े हैं राजा के। भगवान बोले मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं दे दो। शराबी कहने लगा है वो धोबी भगवान कन्हैया से ओ बच्चों पर जय लुगर लयो। भगवान ने क्या किया कि दुर्गुल से नातने कियो नाचो ये पूर्व जन्म में कौन था धोबी। पूर्व जन्म में भी ये धोबी था। जब श्री राम त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए राजा बनाए गए। और जब राजा बनाए गए तो राम ने अपने गणों को भेजा जाओ गणों देख आओ हमारी प्रजा में कौन सी वार्तालाप चल रही है। तो इसकी पत्नी कहीं चली गई थी। धोबी कहने लगा तुम सारी रात कहाँ रही। बोले कहाँ रही चाहे घर में रहे और कहाँ रहे। धोबी कह रहा मैं अब तुझे नहीं रख सकता हूँ। क्यों बोले अब मैं तुझे नहीं रख सकता हूँ। क्यों क्योंकि ये राम नहीं है जो सीता रावण ये रावण सीता को हर ले गया और फिर घर में बैठा लिया। मैं तुझे नहीं रख पाऊंगा इसी धो